सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, राजपथ पर पीएम मोदी ने दिखाई झंडी, लोगों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। चौथे चरण की वोटिंग के लिए अंतिम चरण में चुनाव आयोग की तैयारियां, 1 नवंबर को 7 जिलों की 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के विज्ञापन पर रोक से उत्साहित महागठबंधन के नेताओं ने आज फिर की निर्वाचन आयोग से शिकायत, बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव में हिंसा फैलाने की आशंका जताई, बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लालू प्रसाद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज, पटना के सचिवालय थाने में दर्ज हुआ मामला, शुक्रवार को लालू ने फिर से अमित शाह को कहा नरभक्षी। पीएम के घोटाले वाले बयान पर लालू का पलटवार, कहा सबसे बड़े घोटालेबाज हैं मोदी, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की हो रही है साजिश। किशनगंज में भाषण के दौरान खराब हुई हेमा की माइक, ड्रीम गर्ल ने ली चुटकी, कहा बीजेपी की सरकार आई तो साउंड सिस्टम भी हो जाएगा सही। यूपी में कैबिनेट का विस्तार, 11 नए चेहरों को किया गया शामिल, 9 मंत्रियों को मिला प्रमोशन। धनबाद पुलिस को कामयाबी, हत्या की योजना बनाते कुख्यात तो फहीम का भांजा बंटी एक साथी के साथ गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 7 कारतूस जब्त। समस्तीपुर में शर्मसार हुई खाकी, रेलवे स्टेशन पर घंटों तमाशा बना, शराब के नशे में धुत एएसआई, चौथे चरण के चुनाव के लिए जा रहा था मुजफ्फरपुर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि।